नमस्कार बीवीएम न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं ममता बघेल। चलिए बात करते हैं खबरों की। सबसे पहले बात करेंगे गुरुग्राम की। दिल्ली से गुरुग्राम के सबसे चर्चित सहारा मॉल को हरियाणा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने सील कर दिया है। गुरुग्राम के एमजी रोड स्थित सहारा मॉल को प्रदूषण फैलाने के आरोप में सील किया गया है। दरअसल साल 2018 में सहारा मॉल से सीवर वाटर ट्रीटमेंट प्लांट से प्रदूषण विभाग ने सैंपल लिए थे, जिसकी रिपोर्ट फेल आई। उसके बाद मॉल प्रबंधन की तरफ से कहा गया था कि कुछ महीने में इसे ठीक करा लिया जाएगा और 2.5 लाख रुपए की फीस भी जमा कराई गई थी। इसके बावजूद सहारा मॉल प्रबंधन की तरफ से कोई सुधार नहीं किया गया है, जिसके बाद मार्च 2020 में प्रदूषण विभाग की तरफ से दोबारा सैंपल लिए गए, जिसकी रिपोर्ट भी फेल आई। उसके बाद प्रदूषण विभाग की तरफ से मॉल को सील कर दिया गया है। लेकिन यहां सबसे ज्यादा परेशानी दुकानदारों को झेलनी पड़ रही है, जहां लॉकडाउन के दौरान 3 महीने दुकानें बंद थी और पहले से ही दुकानदार आर्थिक संकट से जूझ रहे थे। वहीं अब मॉल सील होने के बाद दुकानदारों पर संकट के बादल मंडराने लगे हैं। एक दुकानदार का कहना है कि लॉकडाउन खुलने के बाद कोरोना की वजह से मात्र 16 से 17% लोग ही मॉल में आ रहे हैं और धीरे धीरे अब लोगों की मॉल में आवाजाही शुरू हुई है और अब मॉल सील हो गया है। मेरी फर्स्ट फ्लोर में आर्चीज की शॉप है, मैं शॉप ओनर हूँ और दुकान मेरी अपनी खरीदी हुई है। इसके बावजूद सर, आज हमारे यहाँ पे रेसिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन बनी हुई है, लेकिन बिल्डर सर मॉल को 18 साल हो गए अपने कंट्रोल में ही रखा हुआ है। इसका खमियाजा देखिए हमें भुगतना पड़ रहा है। एक तो सर अपने कंट्रोल में नहीं था, कोरोना की वजह से 3-3.5 महीना मॉल लॉकडाउन हुए। अब सर बिजनेस लाइन पे आ रही थी, पटरी पे आ रही थी, हम अपना बिजनेस सस्टेन कर रहे थे। इसी बीच में आज स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने एक्शन लेकर के मॉल को सील कर दिया। सर ये कहानी आज का नया नहीं है, हमें आज पता चला। 2018 से बिल्डर को नोटिसेस पे नोटिसेस दिया जा रहा है कि जो मॉल के इलीगल काम हो रहे हैं उसको ठीक करना है, ताकि जितने मॉल के जो वेस्ट वाटर वगैरह जो बाहर जा रही है नाले में, उसमें काफ़ी ज़्यादा मतलब गंदगी जा रही है, जो कि इनको यहाँ क्लीन करना चाहिए। सर वो इन्होंने नहीं किया, आज इसका खमियाजा हमें भुगतना पड़ रहा है। मेरी एक शॉप है 1800 स्क्वायर फीट की, मैं 60,000 पर मंथ मेंटेनेंस पे करता हूँ सर। आज देखिए सर, इन्होंने हमसे तो पैसा ले लिया मेंटेनेंस का, लेकिन आगे जो मेंटेनेंस प्रॉपर तरीके से किए नहीं सर, इसका भुगतान इनको तो नहीं होना, हमें हो रहा है सर। हमारी शॉप्स बंद हो गई। एसोसिएशन ने ऑलरेडी मैनेजमेंट टेक ओवर के लिए हाई कोर्ट में अपील की हुई है, हमारा केस चल रहा है, लेकिन कुछ कोविड की